तो अपनी कार को हम अब स्टार्ट करते हैं। ये स्विच ऑन किया मैंने, इग्निशन ऑन किया है, ये ऑफ और ये ऑन। जब स्टार्ट होगी तो ये बाकी जो ये आइकॉन आ रहे हैं ये बंद हो जाएंगे। इसमें हैंड ब्रेक का ही रह जाएगा, और अगर पेट्रोल कम हुआ तो पेट्रोल का दिखाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो ये अब स्टार्ट हो चुकी है। अभी स्टार्ट हो चुकी है। अभी इसमें जिस कार में आरपीएम, मतलब ये आरपीएम वाला मीटर होता है, उसमें पता चल जाता है, और इसमें नहीं होता तो उसमें वैसे भी पता चल जाएगा। ये बाकी आइकन चले जाते हैं। अब इसमें राइट साइड में जो ये वाला मीटर है, इसमें फ्यूल का आइकन आ रहा है, और ये हैंड ब्रेक का आ रहा है, और ये वाला जो आइकन है ये मतलब इसमें सीएनजी बाहर से जब लगवाई थी तो इस वजह से ये आइकन आ गया है, जब बाहर से सीएनजी फिट हो जाती है। तो अभी हमारी कार स्टार्ट है। अब हम चलते हैं इस पैनल के पास, एसी वाले पैनल के पास। अब इसको चेक करते हैं, मतलब हम इसको अब एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या इसका यूज़ है। तो सबसे पहले इसका यूज़ ये है, ये अगर हम लेफ़्ट साइड में रखते हैं इधर, तो ये मतलब कूल पे रहेगा, और अगर हम राइट साइड में करते हैं तो हीट पे रहेगा। अगर हमको हीटिंग चाहिए तो इसको ऐसे घुमा देंगे, ये ऐसे, अगर फुल हीट चाहिए तो ये हीटर से कनेक्ट हो जाएगा। और अगर हमें कूलिंग चाहिए, या मैं मतलब कम हीटिंग या कम कूलिंग चाहिए, मतलब जिस साइड को हम करेंगे, लेफ़्ट साइड को करेंगे तो कूलिंग बढ़ती चली जाएगी, और अगर राइट साइड को करेंगे तो ये हीटिंग बढ़ती चली जाएगी। तो अभी फ़िलहाल में हमें एसी एक्सप्लेन करना है, पहले एसी पे इसको देखना है। तो पहले एसी के लिए हमें सबसे लेफ़्ट में रखना है, ये यहाँ रखना है, और ये वाला जो स्विच है ये जो है इसको हम, ये ब्लोअर मोटर का है, ये ऑफ है यहाँ पर, ये ब्लोअर मोटर का साइन है, फैन का साइन, और ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 और ये 4। तो पहले हम 1 पॉइंट पे इसको ऑन करें, मतलब अगर कार ठंडी है तो 2 पे कर लें, और अगर कम ठंडी है तो 3 पे, और बिल्कुल गर्म हो रही है, धूप में खड़ी है आपकी कार, तो हम 4th पे कर लें। तो पहले हम इसे 2 पे करते हैं। और इसका एसी, जब हम एसी चलाएं तो ये जो स्लाइडर है ये अंदर ही रहे, इस एरो के अंदर ये अंदर ही रहे। तो इसमें क्या होता है, जो अंदर का टेम्परेचर होता है उसी को ये सर्कुलेट करता रहता है, उसी में भेजता है। और अगर हमें लंबी ड्राइव पे जाना है तो थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, हमें स्लाइडर को इधर कर दें, जिससे कि बाहर की जो ऑक्सीजन है हमें मिल जाए। अंदर में अगर काफ़ी मतलब 4-5 बैठे हैं, लोग बैठे हैं, तो इसमें फिर हुमस होने लगती है, प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये हमने 2 पे कर दिया, स्लाइडर यहाँ पर है। अब हम इसको एसी को ऑन करते हैं। ये हमारा एसी ऑन हो गया। इसका ये जो बटन के अंदर ये बल्ब होता है, ये फ्यूज़ है इसमें, ये ख़राब हो गया है, तो इस वजह से पता नहीं चल रहा है। फिर भी ये जब हम स्विच ऑन करेंगे तो ये प्रेस हो जाएगा अंदर की तरह। अब देखो ये हम ऑफ़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा बाहर आ गया है। अब ये ऑन कर दिया। अब यहाँ से ये हमारा अपना एसी चल चुका है। अब तीसरा पॉइंट ये वाला है, तीसरा स्विच। तो ये एरो जो बन रहा है, ये जो साइन आ रहा है, आइकॉन आ रहे हैं, अब इसको हमें एक्सप्लेन करना है। ये वाला जो साइन है, ये हमारा, ये जो साइन दिखा रहा है, ये हमारा फ्रंट पे एयर आएगी, फ्रंट ग्रिलों पे। फ्रंट ग्रिल कौन सी है ये और देखिए, फ्रंट ग्रिल 2 तो ये हैं, और एक ये वाली है, और एक हमारी ये वाली है। तो ये 4 ग्रिल फ्रंट के लिए हैं। और अगर हमें एयर कन्वर्ट करनी है, दूसरी तरफ पहुंचानी है, तो इसको यहाँ करें। इसका आइकॉन का मतलब है एयर अब डिवाइड हो जाएगी। अगर हमें एयर उसी स्पीड में रखनी है तो थोड़ा सा ये इसको हमें तीसरे पॉइंट पे कर देना। तो इसमें जब डिवाइड होती है तो ये फेस पर आएगी, यानी फ्रंट पे यहाँ पर आएगी, और दूसरी जो है वो हमारी फुट में, यानी पैरों में जाएगी। मतलब अगर पैर
गर्मी में, हम गर्मी में से आए हैं और हमारे पैर गर्म हो रहे हैं उनको ठंडा करने के लिए। अब इसके मैं वेंट दिखाता हूँ कहाँ होते हैं। तो ये अभी फ्रंट यानी फेस पे और फुट पे यानी पैरों पे चल रही है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पर, ये यहाँ पर लग रहे हैं ये वेंट, दोनों साइड हैं लेफ्ट और राइट, और पीछे भी होते हैं। पीछे जो ये कंडक्टर और ड्राइवर वाली सीट होती है उसके नीचे होती हैं, वो दिख नहीं पाती हैं, तो पीछे भी होती हैं। यहाँ पर दोनों साइड हैं, यहाँ से एयर आ रही है। और अब तीसरा जो आइकॉन है ये वाला, इस आइकॉन का मतलब है अगर हम इसको यहाँ करते हैं और हमें एयर ज़्यादा चाहिए तो फोर्थ पे कर लें और कम चाहिए तो टू पे कर लें। तो टू पे करने के बाद, फ्लो कम हो जाएगा। अगर तेज़ चाहिए तो हमें थ्री फोर्थ पे अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब ये वाला जो आइकॉन है, इस आइकॉन का मतलब है पूरी एयर जो है वो हमारी नीचे फुट में पैरों में जाएगी। अब इस टाइम ये फुट में आ रही है एयर, थ्री पे कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपको एयर चाहिए उस हिसाब से हम कर सकते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है ये वाला, इसका मतलब है फुट में, और जो फ्रंट वाली विंडशील्ड है, ये विंडशील्ड का आइकॉन है, फ्रंट वाली विंडशील्ड पे जाएगी। अब इसका, और इसका दो रीज़न है। अब हमें इसमें अगर सर्दियां हो रही हैं या कार ज़्यादा ठंडी है, फ्रंट वाले विंडशील्ड पे, इस वाले विंडशील्ड पे अगर फॉग जम गई है या मिस्ट आ गई है, तो हम इस स्लाइडर को इधर कर सकते हैं, जिससे मतलब बाहर की जो वो ऑक्सीजन है और मतलब जो हमस है वो इसको जल्दी कंट्रोल कर लेता है। और हमें और भी तेज़ करना है तो इसको स्लाइडर को पूरा इधर कर दें, जिससे हीटिंग मिक्स होकर और इसमें विंडशील्ड पर जल्दी इसको साफ़ कर सके। तो अभी इसको इधर कर लें। अभी हम एसी का एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद हीटर का भी करेंगे। अब हमें बिल्कुल फ्रंट पे विंडशील्ड पे लेनी है, तो विंडशील्ड पे ये कंप्लीट विंडशील्ड पे आ चुकी है। अब हमारी एयर विंडशील्ड पे जा रही है। विंडशील्ड का ये वेंट है, ये वाला जो वेंट है ये विंडशील्ड का है, ये दोनों तरफ है, आधा यहाँ पर है और आधा यहाँ पर है, और बीच में जो है ये बीच में विंडशील्ड वाला सेंसर होता है। जब कहीं बारिश आती है अचानक और हम स्पीड में चल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इसके वाइपर ऑन हो जाते हैं। अब ये वाला जो साइन है ये शीशे के लिए है। ये एक्सप्लेन पूरा हो चुका है, अब हमें इसे पीछे ले जाना है। अब वापस इसे यहीं कर दिया, फेस पे एयर आ गई। और ये वाला स्लाइडर है, इसमें ये स्लाइडर दो, उसके दो मतलब इसके दो यूज़ हैं। एक तो अगर हमें बाहर की ऑक्सीजन लेनी है तब हम इसको कर दें, ये बाहर की एयर आएगी और अंदर की बंद हो जाएगी, मतलब बाहर की मिक्स करके और जब भेजेगा। तो इसको जब हम यहाँ करते हैं, अगर एसी ऑन है तो हमेशा यहाँ रखें, क्योंकि अगर हम बाहर की है, बाहर स्लाइडर करेंगे तो बाहर की जो हीटिंग होती है, हल्की एयर बाहर की गर्म होती है तो मिक्स होकर आएगी, उसमें कूलिंग में इफेक्ट आएगा। तो एसी पे तो हम यहीं रखें, बस अगर लंबी ड्राइव पर जा रहे हैं तो 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए इधर स्लाइड कर दें, एसी पे यहाँ रखना है। अगर हमें हीटर यूज़ करना है तो इस स्लाइडर को इधर करें और एसी ऑफ़ करें। एसी अभी ऑन है, एसी ऑफ़ कर दें। हीटर चलाने के लिए एसी ऑफ़ ही करना पड़ेगा। कुछ लोग मतलब काफ़ी कस्टमर को मैं देखता हूँ, वो ये कहते हैं हीटर चलाने के लिए एसी भी ऑन करना पड़ता है, और मैंने काफ़ी को देखा भी, वो आते हैं चेक कराते हैं कि हमारा हीटर सही मतलब चल नहीं रहा, हीटर चेक कर लो। तो इसको, एसी को ऑफ़ करें तभी हीटर चलाएं। अब हीटर चलाने के लिए ये मैनुअल पैनल है, ये मैनुअल पैनल है, तो मैं इसमें मैनुअल पैनल की आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ। तो अब हमें हीटर पर करना है। हीटर जब भी चलता है, जितनी गाड़ी का टेम्परेचर सेट होता है, मतलब टेम्परेचर जितना ऊपर जाता है उतनी हीटिंग आती है। स्टार्टिंग में थोड़ी कम होती है, जैसे जैसे इंजन में टेम्परेचर पहुंच जाता है इंजन के कूलेंट का, उसी हिसाब से हीटर चलता है। और हीटर कूलेंट से कनेक्ट होता है, ना कि एसी की गैस से होता है, किसी उससे होता है, ये भी याद रखें। बहुत कस्टमरों को, बहुत लोगों को पता नहीं होता, तो ये याद रखें कि हीटर जो चलता है वो कूलेंट से चलता है। इसकी जो हीटर कॉयल होती है वो अलग होती है और एसी की अलग होती है। अब मैंने हीटर पर कर दिया है और इस टाइम हीटिंग फुल आ रही है, मैं इस हीट हो चुका हूँ। तो
तो ये यहाँ पर जितनी हमें हीटिंग लेनी है मतलब अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि राइट साइड को जितना करेंगे हम उतनी हीटिंग ज़्यादा होती चली जाएगी। बाकी ये हमें जितना ब्लोअर की एयर चाहिए इतनी कर सकते हैं, और जहाँ पे भी हमें इसको यहाँ पे भी इसको हमें पहुँचाना है जहाँ पे भी हमें चाहिए इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी बता दिया। इस वाले पैनल से एयर एडजस्टमेंट होती है, हमें कहाँ चाहिए एयर, ये फेस पे है और ये फेस और फुट पर है, यानी मुंह और पैरों पर, और ये पैरों पर फुट के नीचे मतलब नीचे पैरों में आती है, और ये वाली विंडशील्ड फ्रंट वाली और नीचे पैरों पर, और ये वाली जो है एयर ये आती है अगर हम यहाँ पे पहुँचाते हैं इसको तो ये सीधी विंडशील्ड पे जाएगी, बाकी सब जगह ऑफ हो जाएगी। और ये हमारा ब्लोअर मोटर का है, ये फ़ैन का आइकॉन है, ये 1 पॉइंट है, यहाँ पर ऑफ हो जाएगा, और ये 2 पॉइंट है, और ये वाला जो है 3 पॉइंट है, और ये 4 पॉइंट है, और ये हमारा हीटर ऑल कूल का है, जिस साइड में हमें करना है उस साइड में कर सकते हैं। हीटर पे राइट साइड में करें रेड की तरफ, और कूलिंग पे ब्लू साइड इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ। ये हमारा एसी का बटन है और ये हमारे स्लाइडर हैं, जहाँ हमें रखना है हीटर पे इधर रखना है और एसी पे इधर रखना है। अगर हम हीटर पे इधर रखेंगे तो हमें ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, हमें सांस मिलने में कमी आएगी, तो बहुत ज़्यादा मतलब अंदर हुमस होने लगती है। तो हीटर जब चलाएं तो इधर वेंट करा लें, इधर वेंट कर लें जिससे बाहर की ऑक्सीजन आती रहे और हमें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें एक्स्ट्रा फीचर और है, कुछ कारों में होता है कुछ में नहीं होता, मतलब अब जो नेक्स्ट जनरेशन की जो कार आ रही हैं उसमें सब में ही ज़्यादातर मोस्टली आ रहा है। तो ये वाला जो स्विच है इसको मैं बताता हूँ, ये होता है पीछे, इसको बोलते हैं डीफॉग, जो पीछे वाला विंडशील्ड शीशा होता है उसमें देखना आप लाइनिंग लाइनिंग होती हैं, तो वो जो लाइनिंग होती हैं वो होती हैं हीटर की। जब हम ड्राइव करते हैं और पीछे वाला शीशे पे फॉग जम जाती है तो वो फॉग जो है उसको ख़त्म करता है, तो इसको बोलते हैं हम डीफॉग। हम इसको हमने इसको ऑन कर दिया, इसमें लाइट जल गई है, इसकी एसी की जो लाइट थी वो ख़राब हो गई, इस एसी के अंदर ग्रीन जलती है, तो हमने इसको ऑन कर दिया है। अब फ़िलहाल में हम हीटर बंद करते हैं, काफ़ी हीट हो गया। तो अभी जब हम डीफॉग चलाएं, इसका और इन तीनों चीज़ों का कोई भी वो नहीं होता, डीफॉग का अपना अलग काम होता है, उसमें हीटर लगा होता है पीछे वाले शीशे में, हीटर का एक पैनल जा रहा होता है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, मतलब उसमें लाइनिंग लाइनिंग होती हैं तो वो हीटर के लिए होती हैं, इसको बोलते हैं डीफॉग। इसको हम ऑन कर देंगे और डीफॉग जब तक उसका शीशा क्लियर नहीं होगा इसको ऑन कर दें, वो अपना काम पूरा करेगा और अपना भी ये कट मार जाएगा, ये नहीं है कि चलता ही रहेगा, तो ये अपना कट मार जाता है, ये डीफॉग है। तो दोस्तों बताना वीडियो कैसी लगी, और मैं भी इसका पीछे दिखाता हूँ, जो पीछे वाला विंडशील्ड है शीशा के उसमें हीटर किस टाइप का होता है, तो पीछे चलते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये वाली जो लाइनिंग आ रही हैं ये दोस्तों ये हीटर की होती हैं, जब हमने अभी डीफॉग ऑन किया है वो बटन से, तो इसमें अभी ये हीटर चलने लग गया, ये पूरे पीछे वाले शीशे में होती हैं, अभी चल रही हैं। तो दोस्तों ये पीछे वाला जो शीशा है विंडशील्ड है, इसमें ये जो है ये लाइनिंग आ रही हैं, ये देखिए जितनी भी लाइनिंग है ये हीटर की हैं, मतलब जब हमारा ये फॉग जम जाता है इस पीछे वाले शीशे पे, तो जब हम डीफॉग ऑन करते हैं तो ये इसकी जो फॉग है वो अपना आप ख़त्म कर लेता है, ये जो लाइनिंग है। बहुत लोगों को पता नहीं होता कि किस चीज़ की लाइनिंग है, तो ये डीफॉग की लाइन है, और ये ओरिजिनल शीशे में ही आती हैं, लोकल शीशे में नहीं आती, या तो कार के साथ आए तब, या फिर ओरिजिनल हो शीशा तब आती हैं, लोकल शीशे में नहीं आती हैं। बाकी मैंने आपको एसी कंट्रोल पैनल का एक्सप्लेन करा दिया है, और मैं ये मैनुअल पैनल था, तो दोस्तों मैं अब अगली वीडियो एक और बनाऊंगा, इसकी जो ऑटोमेटिक वाला पैनल होता है उसका भी बनाऊंगा, ये मैनुअल था और ये होंडा सिटी है, और बाकी सब कार में सेम होता है, बस पैनल का फ़र्क आता है, पैनल का फ़र्क आता है, ये तो सब चीज़ें सेम होती हैं जब आप देखोगे। तो ये मैं होंडा सिटी में एक्सप्लेन करा रहा था आपको, और दोस्तों बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें।